दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके यंग लोगों के लिए, कि क्या ऐसी गलती करते हैं वो जो यंग एज में ही बूढ़ा सा लगने लगते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो, लेटेस्ट अपडेट्स आपसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं, और आपके फ्रेंड्स या आपके घर वाले या जो ओल्ड एज के होते हैं उनके बहुत काम के होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है नींद की कमी, लेस स्लिप। यानी आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग बहुत सारे टेंशन से गुजरते हैं जिससे उनको नींद कम आती है, बहुत लोग कम सोते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं खास करके वो ये ध्यान नहीं रख पाते। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपको 7 से 8 घंटे, जी हाँ 7 to 8 आवर्स आपको साउंड स्लीप यानी गहरी निद्रा में सोना होगा, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा है कि लोग जो है वो जो बहुत सारे भौतिक सुख साधनों का जो सामान होता है उसका यूज़ करते हैं और वो शारीरिक श्रम नहीं करते, यानी कि वर्कआउट नहीं करते, हेल्थ एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, और जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको शामिल नहीं करते। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो आपको बहुत तरह की बीमारियां जकड़ लेंगे, साथ साथ आप उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लगेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और शारीरिक श्रम जरूर करें। एक स्वस्थ आदमी को 40 से 45 मिनट जरूर आपको वर्कआउट करना चाहिए, जो कर सके आप टहले, एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन 40 से 45 मिनट। दूसरा जो पाया गया है, शोध में पाया गया है कि लोग, खास करके भारत के लोग जो है वो, इंडिया के लोग, वो शुगर यानी चीनी का उपयोग बहुत करते हैं, या तो वो मिठाइयाँ खाते हैं या तो वो चाय पीते हैं, या और वो डायबिटीज़ के शिकार भी होते रहते हैं। तो डायबिटीज़ तो इसमें नुकसानदेह है ही है खास, लेकिन चीनी भी बहुत नुकसानदेह है। तो चीनी को ऐसे बोला जाता है वाइट पॉइजन, तो आप चीनी का सेवन जितना कम से कम हो वो करें, आपको बहुत लाभ मिलेगी। तीसरा है दोस्तों, जैसे कि हम भारतीय लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, हर जगह जाते हैं, कहीं साउथ इंडियन डिश है, कहीं नॉर्थ इंडियन है, कहीं पंजाबी डिश है, और कहीं डिफरेंट तरह का, इवन कि हम लोग तो चाइनीज़ और बाहर के भी खान पान को भी अपना रहे हैं। तो खान पान का बहुत ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखें कि आपके खान पान में जो है वो तेल मसाला बहुत कम हो। आपको जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके खाने में फाइबर और जो पोषक तत्व है, फल फूल, आप सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, और साथ साथ आप अपने सुझाव जो देना चाहें वो भी आप हमें दे सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो हम आपके हेल्थ टिप्स के लिए लाते हैं ये बहुत कारगर है आपके, आपके फ्रेंड, आपके घर वालों के लिए। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिले। अभी तक के लिए नमस्कार, जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ।